ये भी बच्चा अपने आप में ना लर्न टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि थोड़ा सा लर्न है एंड इट्स वन ऑफ द फेवरेट. मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन किया वो इतना फेवरेट नहीं था, उसके चांसेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम है. लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट है या सेकेंड पार्ट है, ये दोनों के दोनों, ये दोनों हमारे फेवरेट क्वेश्चन है. बहुत बारी एग्जाम में ये रिपीट करते हैं एंड ये दोनों एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है, तो ये अपने आप में बहुत ही फेवरेट है. और इन्हें सीखिए कैसे करेंगे. इस क्वेश्चन को करने के हैं 2 से 3 तरीके, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ वो छोटा है. बेशक उसमें एक स्टेप आपको लर्न करना है, लेकिन वो तरीका छोटा है. प्लीज बड़े ध्यान से समझिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. जब कभी भी क्वेश्चन प्रूव दैट हो और पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टैन या इन टर्म्स ऑफ कॉट हो, मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा सा क्वेश्चन प्रूव दैट में हो और पूरा का पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टैन या पूरा का पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कॉट हो, जैसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या है, टैन है. इवन इसका जो सेकेंड पार्ट है वो इन टर्म्स ऑफ कॉट है. एंड इनके जो एंगल्स हैं, क्या कह रही हूं मैं, इनके जो एंगल्स हैं वो कुछ पैटर्न बनाते हो. दोनों बातें ध्यान रखनी है, या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टैन हो या पूरा का पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कॉट हो, प्लस में इनके जो एंगल्स है वो कुछ पैटर्न बनाते हो. कैसा पैटर्न बनाते हो, लाइक 3a इज इक्वल टू a प्लस 2a, कुछ पैटर्न बनाते हैं. सपोज अगर ये मेरे एंगल होते 2a 4a 6a तब भी ये कुछ पैटर्न बनाते. मैं बोल रही हूँ जब भी हमारा पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टैन हो या इन टर्म्स ऑफ कॉट हो और उनके जो एंगल्स हैं वो दैट टाइप ऑफ पैटर्न बनाते हो कि एक का दो का सम करके तीसरा आ जाए, अभी एंगल वेरी कर सकते हैं, तब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है. पहले मैंने लिखा 3a इज इक्वल टू a प्लस टैन ए, सॉरी 2a, पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टैन है तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड. क्या किया मैंने, पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टैन था तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, टैन ले लिया. अब ये पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कॉट होता बेबी तो यू आर टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड्स. अब दोनों तरफ क्या ले लेते, कॉट ले लेते. अब इससे होगा क्या, टैन 3a, टैन a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, टैन a प्लस बी की आइडेंटिटी टैन a प्लस टैन बी अपॉन में 1 माइनस टैन ए टैन बी. ठीक जा रही हूँ. क्या किया मैंने, मैंने बोला अगर पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टैन या पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ फोटो और उनके एंगल्स पैटर्न बनाते हो तो पहले वो एंगल्स का पैटर्न लिख लो. पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टैन है तो टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड के ले लो, अगर पूरा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कॉट है तो टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड ले लो. देन डूइंग अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. आता है ना अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जो डिनोमिनेटर में था वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यू शुड हैव ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन किया तो दैट इज टैन 3a माइनस टैन a टैन 2a टैन 3a. बेबी ये सब अलग अलग एंगल है तो कोई स्क्वायर नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है. इज इक्वल टू टैन a प्लस में टैन 2a. अब सिंपल नोटिफिकेशन है, ये माइनस की टर्म है, इक्वल टू के दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगी, प्लस. ये दोनों प्लस की है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगी, माइनस. दैट इज टैन 3a माइनस टैन 2a माइनस टैन a इज इक्वल टू टैन a टैन 2a टैन 3a, हेंस प्रूफ. यही तो मुझे प्रूफ करना था, जरा क्वेश्चन में देखो. जी बच्चा समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आपको तरीका ध्यान रखना है कि अगर पूरा क्वेश्चन टैन या कॉट में है, इनके एंगल्स कुछ पैटर्न बनाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर आ जाता है. हाँ जी बच्चा.